तो यहाँ पे फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जो कि न्यू स्मार्टफोन आया है उसमें बेस्ट कौन है, उस पर मैं वीडियोज लेके आ गया हूँ। और इस वीडियो में बताने वाला हूँ अंडर 50 के प्राइस का, यानी कि 15,000 के नीचे वाला जो बेस्ट स्मार्टफोन है उसी के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि इसमें कैमरा भी अलग होने वाला है, यानी कि बिल्कुल बेस्ट बताने वाला हूँ। कैमरा हो या फिर गेमिंग हो या फिर आपको अंडर 50 में जो भी स्मार्टफोन चाहिए बैटरी परफॉर्मेंस के लिए आप फ़ोन ले रहे हो, तो ये फ़ोन काफ़ी बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें बैटरी भी काफ़ी अच्छी है, प्लस में कैमरा भी है, प्लस में यहाँ पे वो गेमिंग भी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन घंटे दिखने उसे ऑल पर प्रेस कर लीजिए। और चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। फर्स्ट स्मार्टफोन की बात करूँ तो आपको सैमसंग गैलेक्सी F23 है, जिसका प्राइस आपको 15,000 के करीब आप देखने को मिल जाएगा। प्लस में इसका यहाँ पे बैक कैमरे की बात करूँ तो 50 मेगापिक्सल प्लस में 8 मेगापिक्सल या प्लस में 2 मेगापिक्सल बैक कैमरा आप देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इस फोन की बात करूँ तो यहाँ पे फोन कैमरे की तो 8 एमपीआर आपको देखने को मिल जाएगा फोन कैमरा। उसके बाद इस फ़ोन का गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा, स्नैपड्रैगन 750 के 750G आपको गेमिंग में देखने को मिला, तो ये काफ़ी अच्छी गेमिंग एक्सपीरियंस आपको देने वाली है हाई लेवल के गेमिंग की। इस फ़ोन की बैटरी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, प्लस 25 वाट का यहाँ पे फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिल जाएगी। फोन की स्टोरेज की बात करूँ तो आपको 6 GB RAM आपको देखने को मिल जाएगा, प्लस में 128 GB जो कि इंटरनल आपको इस फोन में आपको देखने को आपको इस फोन में मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड स्मार्टफोन है जो कि इन्फिनिक्स 05G, इसका भी प्राइस आपको लगभग 14,000 करीब देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसका बैक कैमरे की बात करूँ तो 50 मेगापिक्सल प्लस में 2 मेगापिक्सल प्लस में 2 मेगापिक्सल देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इस फोन की फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो आपको 16 मेगापिक्सल देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरे से फोटो आपको देने वाली है। इस फोन में गेमिंग की बात करूँ तो काफ़ी तगड़ी प्रोसेसर है मीडियाटेक डायमंडसिटी, जो कि हाई लेवल के जैसे BGMI पबजी आप इसमें आसानी से खेल सकते हैं। इस फोन में बैटरी की बात करूँ तो 5000 mAh की बैटरी प्लस में 33 वाट का चार्जर देखने को मिल रहा है, जो कि वन डे आसानी से आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे अपने फ़ोन को बिना चार्ज किए। उसके बाद इसमें स्टोरेज की बात करूँ तो 8 GB RAM मिल जाएगी, प्लस में 128 GB एक्सटर्नल GB आपको देखने को मिलेगी। थर्ड स्मार्टफोन की बात करो तो पोको M4 Pro 5G आपको स्मार्टफोन है, जो कि यहाँ पे आपको 12,000 के करीब देखने को मिल जाएगा। और इस फोन का जो कि बैक कैमरे की बात करूँ तो 50 मेगापिक्सल प्लस में 8 मेगापिक्सल जो कि अच्छी यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो देने वाली है। फोन कैमरे की बात करो तो 16 मेगापिक्सल है, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे फोटो निकाल कर देती है। इस फोन में गेमिंग की बात करूँ तो मेडियाटेक डायमंडसिटी 810 है, जो कि अच्छी गेम प्ले आपको बड़े लेवल की देती है। इस फोन की बैटरी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, प्लस में 33 वाट का चार्जर, जो कि वन डे आपको आसानी से यहाँ पे यूज कर पाएंगे। स्टोरेज की बात करूँ तो 8 GB RAM प्लस में 128 GB इंटरनल स्टोरेज आपको फोन में देखने को आपको मिल जाएगी। नंबर 4 पर आती है Redmi 12 5G, जो कि यहाँ पे इसका प्राइस लेकर आती है 12,000 के करीब। और इसका कैमरे की बात करूँ तो बैक कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल प्लस में 2 मेगापिक्सल प्लस में 2 मेगापिक्सल आपको देखने को मिल जाएगी। फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो आपको इसको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इमेज आपको निकाल कर देती है। साथ ही में इसमें गेमिंग परफॉर्मेंस की आपको बात कर लूँ तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 4th Gen 2 प्रोसेसर है, जो कि काफ़ी अच्छी लेवल तक गेमिंग आपको देती है। उसके बाद इसमें बैटरी बैकअप की बात करूँ तो बैटरी आपको 5000 mAh प्लस में 18 वाट का आपको चार्जर देखने को आपको इस फोन में मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बैटरी इमेज है। उसके बाद कर लूँ इसमें स्टोरेज की तो 4 GB प्लस में 128 GB इंटरनल आपको यहाँ पर स्टोरेज आपको मिलने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी स्टोरेज है। नंबर 5 स्मार्टफोन है M14, जिसका आपको फ्लिपकार्ट पे या फिर कहीं पे प्राइस आपको 13,000 के करीब देखने को मिल जाएगी। प्लस में यहाँ पे बैक कैमरे की बात करूँ तो 50 प्लस में 2 प्लस में 2 मेगापिक्सल के 3 कैमरा मिलेगी। और फोन कैमरे की बात करूँ तो 8 मेगापिक्सल है, जो कि काफ़ी अच्छी आपको क्वालिटी का इमेज देती है। और इसमें गेमिंग परफॉर्मेंस की बात कर लूँ तो अच्छी खासी यहाँ पे की प्रोसेसर है सैमसंग का ही, सैमसंग एक्जोन 1330 यहाँ पे दी हुई है, 1330 यहाँ पे दी हुई है। और इस फ़ोन की बैटरी MAH की बात करूँ तो 6000 mAh बैटरी का आपको दी हुई है, जो कि 25 वाट के चार्जर में। और इसमें स्टोरेज की बात करूँ तो आपको स्टोरेज यहाँ पे आपको 6 GB RAM के साथ 128 GB इंटरनल आपको स्टोरेज देखने को मिलती है।